गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है छठ पूजा, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी छठ पूजा। और ये अभी अपना बाल धोया हूँ तो इस टाइप से उठ जा रहा है। सो अभी बज रहे 1:45 दिन के, दिख रहा होगा। और मैं आया हूँ अपने नानी के घर। सो आज है छठ, तो अभी चलेंगे हम लोग घाट पर और आपको दिखाता हूँ किस टाइप से घाट सजा हुआ है। सो अभी थोड़ा देर पहले पहुँचे हैं तो अपना इधर आराम कर रहे हैं। सो शाम में आपको दिखाता हूँ। और इधर अपना दौरा वौरा भी तैयार है घाट पे जाने के लिए, तो शाम में आपको उधर की शूटिंग दिखाता हूँ। बात बाकी अभी बाहर अपना लोग वगैरह बात कर रहे हैं और अपना दिखाऊंगा किस टाइप से घर है सब चीज़। सो अभी आप ये देख सकते हैं, ये अपना बाहर से कुछ सीन अपना घर का, मतलब नानी घर का। और ये अपना दरवाज़ा, बगल में अपना गाय बंद आता है। और ये देख सकते हैं सामने कुआँ है अपना। और ये देख सकते हैं आप सामने से व्यू। इधर अपना गाड़ी वगैरह लगाने के लिए सेट डाला गया। तो अब हम पहुंच चुके हैं घाट पे। और ये अपने घाट अपने घर के बगल में ही है, छोटा सा पोखर। और देख सकते हैं तैयारियां कैसे की गई है। और लोग अर्घ देना शुरू कर दिए हैं। सामने आपको सूर्य भगवान दिख रहे होंगे और देख सकते हैं सभी कोई को अर्घ दे रहे हैं। और ये कुछ पीछे का अपना सीन, सभी कोई ऊपर बैठे हुए अपने कुर्सी पे और हम नीचे अपना अभी शूट कर रहे हैं अपना ब्लॉग, देख सकते हैं आप सभी। और शाम हो चुका है तो अभी सब कोई अर्घ दे के निकलने ही वाले हैं घर की तरफ अपने। सो अभी ख़त्म हो गया अपना अर्घ। और ये देख सकते हैं सभी कोई अपना घर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो अभी तुम लोग देख रहे होगे अपना कोसी भराने का समय है और शाम के बजे अभी 7:30। सो अभी तैयारियां चल रही है कोसी भराने की, किस टाइप से अपना तैयारी किया गया है। दीपक वगैरह जल रहे हैं अपने नीचे बस। अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम जा रहे हैं अभी सोने, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है और घाट पे चलना है। तो पहले जाते हैं सोने और 4 बजे सुबह उठते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या करते हैं सुबह से। ऐसे भी हमें कल ही लौट जाना है तो वो भी आपको दिखाऊंगा लौटने का सीन भी। सो गुड नाइट, बाय। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं फिर से घाट की तरफ। और अभी पढ़ना का समय है, यानी कि सुबह वाले अर्घ का। और लोग अपने सामानों के ऊपर दिए जला रहे हैं, अर्घ देने वाले सामान के ऊपर सभी लोग दिए जला के बैठे हुए हैं, आप सभी देख रहे होंगे। तो अभी सूर्योदय होने का, यानी कि दिन साफ होने का समय हो गया है। सूर्योदय तो 6:30 में कुछ समय बजा रहता है तब होगा। सो अभी अर्घ का समय हो चुका है और सभी लोग जा रहे हैं एकत्रित होने अर्घ देने के लिए। सो अभी देख सकते हो तुम लोग, दिन अपना साफ हो चुका है, सूर्योदय का समय हो चुका है और बच्चे अपना तैर रहे हैं अपना पानी में और अर्घ दिया जा रहा है अभी सुबह का। तो अभी अपना ख़त्म हो गया अर्घ और आप सभी देख रहे होंगे लोग अपने घर लौटने की तैयारी में हैं। सभी कोई अपने सामान को एकत्रित कर रहे हैं, घर लौटने के लिए ले जा रहे हैं सभी कोई। और बस यही था। तो अभी आ चुके हैं हम लोग घाट पे से और देख सकते हैं सूर्य भगवान की किरण इधर दिख रही होगी। सो सामने से मस्त किरण आ रही है और मस्त वायु आ रहा है नेचुरल। तो मैं यहाँ पे अपना मस्त फर्स्ट क्लास फ़ोन चला रहा था। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर के लिए, यानी कि नानी घर से निकल चुके अपने घर जाने के लिए। तो अभी आप देख रहे हो ये अपना गांव का कुछ ऐसा सीन है, गांव में तो अलग ही है मज़ा। ये देख सकते हैं अपने गोभी के पेड़, केले वगैरह के सभी देख सकते हैं, बीच में अपना रास्ता दोनों तरफ
खेत वगैरह, और देख सकते हैं सामने मुर्गी फार्म। और अब हम आ चुके हैं अपने बस में, तो अभी बस चल रही है और अब घर की तरफ बढ़ते हुए हम लोग। सो अभी घर पहुंचते हैं बस से धीरे धीरे। सभी देख रहे होंगे बस में मैं बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ अपने घर की तरफ।